छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से नक्सली उन्मूलन अभियान के तहत एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल यहां एक 5 लाख के इनामी नक्सली ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसी को लेकर एसपी अंजनेय वार्ष्णेय ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि अजय कुमार नामक नक्सली ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। बता दें कि ये वही नक्सली अजय कुमार है जिन्होंने साल 2017 में जिले के हल्लारी ग्राम जोगी बिरदो में एक ग्रामीण की हत्या की थी, जिसके अलावा 2020-21 में पुलिस नक्सली मुठभेड़ सहित ग्रामीणों की हत्या में भी शामिल था, जिस पर 5 लाख का इनाम रखा गया था। बहरहाल आरोपी अजय कुमार नक्सली ने अचानक पुलिस मुख्यालय पहुंचकर सरेंडर कर दिया, जिसके चलते पुलिस ने इन्हें तत्काल समर्पण पुनर्वास के लिए 25,000 नकदी प्रोत्साहन राशि दिया। जैसा आप लोगों को ज्ञात भी होगा कि लगातार हम माओवादी विरोधी अभियान चला रहे हैं और हमें अभी हाल ही में डंप भी मिलने में सफलता हुई मिली थी। उससे पहले एक माओवादी भी मारा गया था, तो उसी क्रम में आज एक माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। तो जैसे आपको पता है छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है, उससे प्रभावित होकर के और माओवादियों जो शोषण कर रहे हैं उनकी जो खोखली विचारधारा है उसका इस आदमी को बोध हुआ और उसने आकर के आज दिनांक हमारे समक्ष आत्मसमर्पण किया है। ये 5 लाख का इनामी है, इस पर शासन द्वारा 5 लाख का इनाम घोषित है और ये सीतना नदी एरिया कमेटी का सदस्य था। इसके साथ साथ रावत समन्वय है जो कि कोंडा गांव धमतरी के बीच में माओवादी कोऑर्डिनेशन देखता है, उसका ही डिप्टी कमांडर था। ये 10 वर्षों से अधिक से इसी क्षेत्र में सक्रिय था। हाँ, हमें इसके माध्यम से कई सारे महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं जिस पर अभी हम तस्दीक कर रहे हैं। जैसे ही हमें कुछ और कंक्रीट मिलेगा हम आपको सूचित करेंगे। नहीं, स्वतंत्र सूचनाएं रहती हैं हमारे पास, है ना। मुखबिर का नाम खुलासा कभी भी होता नहीं है, आप लोगों की भी जानकारी भी होगी, है ना। तो उसमें मुखबिर का नाम का हम कभी खुलासा नहीं करते हैं, हमें अपने सूत्र रहते हैं।